Good morning, students. Today we are going to start new topic, that is median. New topic name is median. अब median का meaning क्या होता है? What is median? जैसे हमने mean find out किया है first exercise में, mean मतलब average, है ना? Mean का मतलब क्या था? Average. अब you have to find out median of the observations. What does median mean? Median का मतलब क्या? Median means middle. मीडियन का मतलब मिडल मतलब सेंटर. मीडियन का मतलब मिडल मतलब सेंटर. मीडियन क्या होता है? इट इज द मिडल वैल्यू ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज अरेंज्ड इन एन ऑर्डर. मीडियन क्या होता है? सेंटर वैल्यू होती है, मिडल वैल्यू होती है. कोई भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनकी मिडल वैल्यू होती है जब वो किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो. You can arrange that in ascending order also, in descending order also, median will be same. Let's take one example. Suppose you have the observation 3, 6, 9, 1, 5. Suppose you have these 5 numbers. आपको इनका median find out करना है. I am asking, find out the median of these 5 observations. जब भी आपको कोई डाटा दिया होता है उसकी हर एंट्री ऑब्जर्वेशन होती है ना, आई टोल्ड इन इंट्रोडक्शन ऑफ 6.8 3a, है ना? तो ये क्या है? सारी ऑब्जर्वेशंस. इन ऑब्जर्वेशंस का मीडियन फाइंड आउट करना है. लेट्स स्टार्ट. अब मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रही हूँ. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चे? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा. अब सबसे छोटा क्या है इनमें? 1, फिर 3, फिर 5, देन 6, देन 9. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई. मीडियन मैंने क्या बताया? मिडल वैल्यू. अब इनमें से मिडल वैल्यू कौन सी है? मिडल का मतलब सेंटर. देखो, एक पीछे से छोड़ा, एक आगे से छोड़ा, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, तो क्या बच गया? 5. तो 5 आपका क्या है? मीडियन. 5 को क्या बोलते हैं हम? मीडियन. आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा. लाइक आई हैव टेकन डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर मैं डिसेंडिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, है ना? सबसे बड़ा क्या है? 9, देन 6, 5, 1, 3. सेम, एक आगे से छोड़ेंगे, एक पीछे से, फिर एक आगे से, एक पीछे से, फिर क्या बचा? 5. सो 5 इज द मीडियन. मतलब अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, पहले आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसकी मिडल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसकी सेंटर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है? नाउ सपोज आपको ये वाली ऑब्जर्वेशन दी है, यू हैव टू फाइंड मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन 6, 4, 8, 3, 11, 1. अब इनका मीडियन फाइंड आउट करना है. मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम? ऑर्डर में अरेंज करेंगे, चाहे असेंडिंग हो या डिसेंडिंग. लेट्स सपोज वी आर डूइंग असेंडिंग ऑर्डर. मैंने सपोज करो असेंडिंग ऑर्डर कर लिया, असेंडिंग भी कर सकते. असेंडिंग में सबसे छोटा क्या है इसमें? 1, देन 3, देन 4, देन 6, देन 8, देन 11. अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? आपने सेंटर वाली टर्म निकाल ली है. सेंटर वाली टर्म के लिए मैंने यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से, आगे पीछे से, ये भी कट हो गया. अब सेंटर में तो दो टर्म्स बच गई. अब क्या करें? पहले जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था उसमें तो सेंटर में एक ही टर्म थी, वो मीडियन आ गई थी, है ना? वो ऑड नंबर थे, उसको 5 नंबर लिए थे हमने. अब हमारे पास 6 नंबर है, 6 ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसमें तो सेंटर में 2 बच गए. अब इसका मीडियन कैसे निकालें? 4 होएगा या 6 होएगा? 4 भी नहीं ले सकते, फिर 6 क्यों बच जाएगा बिना मतलब का बैक? अगर 6 ले रहे हैं तो 4 की कोई मतलब वैल्यू नहीं होगी. इसीलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका मीडियन क्या होगा? मीडियन इक्वल टू एवरेज ऑफ 4 एंड 6, दोनों नंबर्स का एवरेज. दोनों नंबर्स की एवरेज. एवरेज कैसे निकालते हैं? एड बोथ नंबर्स डिवाइडेड बाय 2. अगर इवन नंबर आ जाए, सेंटर में दो नंबर्स बच जाए, तो आपने क्या करना है? एड बोथ नंबर्स एंड डिवाइड बाय 2.
4 plus 6 10 over 2 that is 5. So इस ऑब्जर्वेशन का मीडियन क्या है 5, राइट right? अगर आपके पास दो वैल्यूज सेंटर में बच जाए तो उसका मीडियन निकालने के लिए आप उन दोनों को ऐड करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। नाउ वी विल जनरलाइज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? इफ फॉर्मूला क्या होता है? इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इफ एन इज ऑड, अगर ऑड नंबर है, जैसे हमने पहले 5 नंबर लिए थे, है ना, 5 नंबर लिए थे, अगर n ऑड है तो मीडियन क्या होता है? n प्लस 1 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। अगर n ऑड है तो मीडियन क्या होता है? n प्लस 1 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन, अगर n ऑड हो तो। अगर n इवन हो तो, इफ n इज इवन तो क्या करेंगे? तो मीडियन होता है, देखो एन इवन, इवन का मतलब 2 का मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, ये इवन है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें मीन निकालने के लिए हमने कौन कौन सी टर्म्स का सम किया? 1 2 3 4 5 6 सिक्स थी, सिक्स में से थर्ड एंड फोर्थ का किया, सिक्स टर्म्स में से एक थर्ड टर्म उठाई है हमने, एक फोर्थ उठाई है। सिक्स में से थ्री कैसे आएगा बच्चे? थ्री थर्ड टर्म एन बाय टू टर्म, एक तो एन बाय टू मतलब सिक्स थी, सिक्स का हाफ क्या हो गया टू, एक तो थर्ड टर्म ली है, और कौन सी ली है? एक उससे नेक्स्ट, एक एन प्लस टू एन ओवर टू, इन दोनों का क्या किया है मीन, इन दोनों का क्या किया है हमने मीन, थर्ड और फोर्थ टर्म का मीन, ठीक है। यू हैव टू रिमाइंड दिस थिंग, अगर आपके पास एन ऑड है तो सेंटर वाली वैल्यू जो सेंटर टर्म होगी दैट विल बी मीडियन, अगर आपके पास एन इवन है तो आपने सेंटर में जो टू वैल्यूज आएंगी उन दोनों का एवरेज निकालना है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज, विद एक्सरसाइज योर कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर, राइट। नाउ एक्सरसाइज 3B, फर्स्ट सम, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनका मीडियन फाइंड आउट करना है। What is the value given to you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, अगर नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा। ये है 1, 2, 3, 4 असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगा हुआ है ना, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अभी मीडियन का फॉर्म, अब एन कितना है? एन ऑड है या इवन है? कितनी वैल्यूज है? 10, 1 से लेकर 10 तक 10 वैल्यूज है। एन इज इवन है ना, एन इज इवन, अगर एन इवन हो तो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज एन बाय टू टर्म प्लस एन प्लस 1 ओवर 2 टर्म डिवाइडेड बाय, यही होता है n प्लस 2, सॉरी n बाय 2 प्लस 1, इसका एवरेज होता है। अगर n इवन होता है तो मीडियन सेंटर वाली दोनों टर्म्स का एवरेज होता है ना। n कितना है आपके पास? 10, n कितना है? 10, यहां भी करेंगे n को 10, 10 बाय 2 टर्म, 10 बाय 2 प्लस 1 टर्म ओवर 2, 10 बाय 2 कौन सी टर्म बन गई? फिफ्थ टर्म, 10 बाय 2 कौन सी टर्म बन गई? फिफ्थ, 10 बाय 2 मतलब फिफ्थ टर्म, 10 बाय 2 5 प्लस 1 सिक्स्थ टर्म ओवर 2। अब फिफ्थ टर्म देखो इसमें से कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 प्लस सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म कौन सी है? 6 ओवर 2, 5 प्लस 6 11, 11 ओवर 2 इज 5.5, ठीक है। आप इसको सीधा भी कर सकते हो, कट ये दोनों, कट ये दोनों, कट ये दोनों, बचा क्या? 5 एंड 6, टू वैल्यूज बच गई, 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, राइट। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन।
इन सेकेंड पार्ट दीज ऑब्जर्वेशन आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द मीडियन. अब फर्स्ट पार्ट में तो हमारे पास वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुई हुई थी, है ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे दिया हुआ था. यहाँ क्या है, 18, 17, 46, ये तो कोई ऑर्डर भी नहीं है, ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है. अभी हम इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा क्या है, 17, ये लिख लिया, फिर से 17, ये लिख लिया, फिर एक और 17, देन 18, देन 19, देन 20, देन 46. जो भी नंबर आप लिख लोगे उसको टिक कर लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई नंबर छूटे नहीं. जब आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो एक बार जो जो नंबर लिखते रहोगे उसको टिक करते रहना ताकि कोई भी नंबर आपका स्किप ना हो जाए, है ना. और 17 यहाँ देखो 3 times आए तो आपको 3 times ही लिखना है. जितने टाइम्स कोई नंबर है तो उतने टाइम्स ही लिखना है आपको. ये नहीं कि एक 17 वन टाइम लिख के छोड़ दो क्योंकि सेम है, नहीं. जितने टाइम्स कोई नंबर है, अगर 3 times है, 4 times है, 1 time है, जितने टाइम भी कोई नंबर है आप उसको उतने टाइम ही लिखें. अब इसका मीडियन फाइंड आउट, मीडियन फाइंड आउट करना है आपको. इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, काउंट करो कितनी टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एन क्या है, 7 क्या होता है, और अगर ऑड होता है तो मीडियन होता है एन बाय 2 + 1 टर्म. अगर एन ऑड होता है तो ये एन, एन कितना है 7, 7/2 + 1 टर्म, एन बाय 7 + 1 8, 8/2 That is fourth term. जो fourth term है इसका आंसर आएगा. Fourth term देखो, 1, 2, 3, 4. Fourth term कितनी है, 18. तो इसका median क्या आ गया, 18. आप इसको check भी कर सकते हो, एक आगे से कटा, एक पीछे से, same second, same third बचा था. ठीक है जी. अगर n odd है तो n + 1/2. अगर n even है तो n by 2. इन दोनों का ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. एन ऑड के लिए डिफरेंट है, एन इवन के लिए डिफरेंट है, राइट. सिमिलरली यू विल सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ दिस सम. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आई हैव सॉल्व, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट यू विल सॉल्व योरसेल्फ, राइट. हाँ जी. नाउ सेकंड सम, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट टेन ऑड नंबर्स. 10 numbers लेने हैं, कौन से लेने हैं, ऑड, फर्स्ट 10. सबसे पहले काउंटिंग में हमारे पास 1 आता है ना. 1 ऑड होता है कि इवन होता है, 1 इज ऑड. हम ऑड नंबर्स लेंगे पहले 1, फिर 2 आता है, 2 ऑड नहीं होता, 2 इवन होता है, उसको छोड़ देंगे. देन 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 हो गए, 10 ऑड नंबर्स. हमने फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स तो लिख लिए. अब हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है. तो n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इवन है ना. n क्या है, इवन. सो मीडियन क्या होगा, अगर 10 इवन हो तो n/2 + n/2 + 1 टर्म ओवर 2. अब n कितना है, 10, 10/2 फिफ्थ टर्म, 10/2 5 + 1 6, सिक्स्थ टर्म ओवर 2. अब फिफ्थ टर्म देखो इसमें से कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फिफ्थ कितनी है, 9. सिक्स्थ कितनी है, 11. आप इसको चेक फिर से ऐसे कर सकते हो, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, ऐसे ही छोड़ते जाएंगे. एंड में क्या बच गया, 9 and 11. यही आया है हमारे पास, 9 and 11. 9 + 11 over 2, that is 10. ठीक है. मतलब आपको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है हर सम में. असेंडिंग और डिसेंडिंग कोई भी ऑर्डर बना सकते हो. बनाने के बाद
आपको चेक करना है जो आपका एन है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड होएगी तो डिफरेंट फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर इवन होएगी तो डिफरेंट फॉर्मूला यूज करेंगे। राइट, यू हैव टू लर्न टू फॉर्मूलाज हियर, फॉर इवन डिफरेंट, फॉर ऑड डिफरेंट फॉर्मूला, एंड यू कैन चेक बाय कटिंग द नंबर्स आल्सो। बट बेटा आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो कटिंग को, बट अगर आपके पास नंबर ज्यादा आ जाएंगे, अगर ज्यादा नंबर आ जाएंगे फिर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, फिर आपको कटिंग तो मुश्किल हो जाएगा इतने नंबर्स का, तो फिर हम ऐसे सॉल्व करते हैं। राइट, नाउ इन सेकंड पार्ट, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, आपको फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स लेने हैं। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपने टेबल पे आते हैं या वन के टेबल पे आते हैं और किसी टेबल पे नहीं आते। फर्स्ट प्राइम नंबर्स कौन सा होता है, टू। फर्स्ट प्राइम नंबर टू, आपने कितने प्राइम नंबर लेने हैं बच्चा जी, 10। 10 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, पहला 2 आएगा, 10 प्राइम नंबर्स 2, फिर 3 होएगा, 5, 6 आता है, 7, 9 भी नहीं आएगा, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर्स बन गए। आपको इनका क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन, सिमिलरली लाइक फर्स्ट सम यू हैव डन, ठीक है, मीडियन यू विल फाइंड योर सेल्फ। थर्ड पार्ट, फर्स्ट 40 होल नंबर्स, फर्स्ट 40 होल नंबर्स लेने हैं आपको। होल नंबर्स मतलब, होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, होल नंबर्स पढ़े हैं, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है आपने, 0 से। फर्स्ट 40 होल नंबर बोला है 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 भी तो काउंट होएगी ना, 40 नंबर लेने हैं आपने। तो ये आपके पास नंबर्स हैं, आपने क्या फाइंड आउट करना है, इनका मीडियन। मीडियन यू विल फाइंड योर सेल्फ बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फोर्थ पार्ट, प्राइम नंबर्स लेस देन 20, प्राइम नंबर्स लेस देन 20, लेस देन 20 के प्राइम नंबर, ये हमने लिखे थे प्राइम नंबर इस क्वेश्चन में। लेस देन 20 कौन कौन से नंबर्स, कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 हो गए, लेस देन 20 19 तक। आगे 23 है, वो तो ग्रेटर देन 20 होता है, हमें लेस देन 20 चाहिए, ठीक है जी। अब इनका आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एन क्या है, 8, मतलब इवन है, एन क्या है, इवन। तो हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बाई फोर्थ टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन टर्म टू, एन कितना है, 8, एन आपके पास 8 है, 8 ओवर 2 मतलब फोर्थ टर्म, 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म ओवर 2, फोर्थ टर्म देखो 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म 7, फिफ्थ टर्म 11 ओवर 2, 7 प्लस 11 इज 18 ओवर 2, दैट इज 9, मीडियन कितना आ गया आपका, 9, ठीक है जी। आप चेक भी कर सकते हो ऐसे, 1-1 कट कर दो, 7 एंड 11 बचे, ये बचे हमारे पास 7 एंड 11, ठीक है जी। इन दिस वे यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3B। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीडियन एज ऑफ फैमिली, एक फैमिली है उसकी मीडियन एज बतानी है, हुज मेंबर्स आर 42, 38, 14, 13, 10 and 8 ईयर्स ओल्ड। एक फैमिली है उसमें ये मेंबर्स हैं, उनकी एज दे रखी है आपको, आपने उनका क्या निकालना है, मीडियन एज निकालना है उसकी, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई भी है ना। सपोज मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया, सबसे छोटी एज 8, देन 10, 13, 14, ये डिसेंडिंग में लगा हुआ था, हम ऐसे तो उठा सकते, ठीक है जी। एज असेंडिंग ऑर्डर में होगी हमारी अरेंज। अब हम क्या करेंगे, एन देखेंगे कि इवन है कि ऑड है, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एन क्या है, 6, एन किसके इक्वल है, 6, दैट इज इवन, है ना, एन क्या होगा, इवन। तो मीडियन का फॉर्मूला वही,
एन बाय टू प्लस एन बाय टू प्लस वन बटा टू. अब एन क्या भरो यहाँ पे, सिक्स, सिक्स ओवर टू थ्री. थर्ड टर्म यहाँ पे अगर थर्ड आएगी ना, यहाँ आपको भर के देखने की भी जरूरत नहीं है. यहाँ अगर थर्ड है तो नहीं फोर्थ होगी, फोर्थ है तो फिफ्थ होगी, सिक्स्थ है तो सेवन्थ होगी. एक टर्म निकाल लो थर्ड यहाँ फिल करके, यहाँ तो आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है. अगर थर्ड है तो फोर्थ आएगी उसके साथ, फोर्थ है तो फिफ्थ, जो भी है उसे नेक्स्ट आ जाए. ये देखो एन प्लस टू है, यहाँ भी एन प्लस टू है, उसमें वन ऐड कर, मतलब जितना यहाँ पे आ रहा है उसमें वन ऐड. अब ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म ओवर टू. अब थर्ड टर्म देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लस फोर्थ टर्म 14 ओवर टू, दैट इज 27 ओवर टू. अब आप इनको डिवाइड कर लोगे 27 से 2 को, 13.5 ईयर्स. डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट्स, एज थी तो ईयर्स में, राइट यूनिट्स लिखने हैं. बिना यूनिट्स लिखे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ए टोटल ऑफ 15 स्टूडेंट्स स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन ए टेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स. 15 स्टूडेंट्स हैं, उनका टेस्ट हुआ है, उनके मार्क्स आपको ऐसे दे रखे. फाइंड द मीडियन मार्क्स, आपने मीडियन मार्क्स फाइंड आउट करने हैं. दिस क्वेश्चन यू विल ट्राई योर सेल्फ. इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मार्क्स दे रखे हैं आपको 15 स्टूडेंट्स के, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. वो आपकी विषय, आप असेंडिंग में करना चाहते हो या डिसेंडिंग में करना चाहते हो. देन आफ्टरवर्ड्स यू विल फाइंड मीडियन. दिस यू विल बी डन बाय योरसेल्फ, दिस इज फॉर प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर 5. द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय बैच ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन साइंस एंड सोशल साइंस टेस्ट. 12 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट नंबर 1 से लेके 12. साइंस में उस हर एक बच्चे के इतने इतने मार्क्स आए हैं, सोशल साइंस में इतने इतने मार्क्स आए हैं, टेस्ट हुआ उनका साइंस और सोशल साइंस का. अब कहते हैं बाई कैलकुलेटिंग मीडियन, मीडियन फाइंड आउट करना है. आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन विच द लेवल ऑफ अचीवमेंट इज हायर, किसमें बच्चों ने ज़्यादा अच्छा किया. इसमें हमने यही बताना है कि किसका मीडियन ज़्यादा है. पहले आपके पास ये साइंस वाले मार्क्स हैं, हम इनका मीडियन निकाल लेंगे. फिर सोशल साइंस वाले मार्क्स इंडिविजुअली हैं, फिर इनका भी मीडियन निकालेंगे. मतलब पहले हम इन 12 टर्म्स का मीडियन निकालेंगे, फिर इन 12 टर्म्स का मीडियन निकालेंगे. ठीक है, पहले सोशल साइंस वालों का, फिर साइंस वालों का, अलग अलग मीडियन निकाल लेंगे. जिसके मीडियन की वैल्यू ज़्यादा होएगी उसमें बच्चों ने परफॉर्म अच्छा किया. जिसके मीडियन, मीडियन का मतलब मिडल होता है, मिडल में कितने बच्चे हैं, है ना, कितने बच्चों ने अच्छा किया. जिसका मीडियन ग्रेटर होगा उस सब्जेक्ट में बच्चों ने अच्छा किया, राइट. दिस विल बी ऑल्सो डन बाई योर सेल्फ. इसमें आपने साइंस वालों का अलग मीडियन निकाल लो, इस 12 वैल्यूज का 25, 72 ये वाली को पहले अरेंज कर लो, फिर इसका मीडियन निकाल लो, फिर सोशल साइंस वालों का मीडियन निकाल लेंगे. एंड जिसका आंसर ज़्यादा आएगा मीडियन का, दैट सब्जेक्ट विल बी अचीवमेंट, इन दैट सब्जेक्ट अचीवमेंट विल बी मोर, राइट. मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 and 5 यू विल ट्राई योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 22, फाइंड एक्स. ये ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास, ये ऑब्जर्वेशंस असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई, दे आर सेइंग अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगाई हुई हैं. और इनका मीडियन आपको कितना दिया है, 22. इसका मीडियन कितना दिया है, 22. आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स. यहाँ देखो वैल्यूज कौन है, 8, 11, 13, 15, ये x प्लस 1 है, हमें नहीं पता कितना है, x प्लस 3 है, हमें नहीं पता कितना है, 30, 35, 40, 43. ये वैल्यूज हैं, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, मतलब ये नंबर कौन से हुए. ठीक है, फर्स्टली काउंट द नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5. x प्लस 1 मतलब 1 नंबर, x प्लस 3 मतलब 1 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एन कितना है, 10, that is even. And even है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, n by 2 term plus n plus n by 2 plus 1 term over 2. यही फॉर्मूला होता है मीडियन का. अभी मीडियन आपको दिया हुआ है कितना,
22. मीडियन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 22 बिकॉज इट वॉज गिवन. अब n, n कितना 10, 10 ओवर 2 5th टर्म. उससे अभी मैंने बताया है सीधा लिख देंगे 6th टर्म ओवर 2. अब ये 2 इधर डिवाइड में है, अगर इधर ले जाओ तो क्या होएगा, मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 फिफ्थ टर्म. फिफ्थ कौन सी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. फिफ्थ कौन सी है, एक्स प्लस 1 प्लस. सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ ये एक्स प्लस, ये 2 ऑलरेडी उधर जा चुका है. ठीक है जी, पहले हमने मीडियन का फॉर्मूला लगाया n by 2 टर्म प्लस n by 2 प्लस 1 टर्म ओवर 2. मीडियन हमें दिया हुआ है 22. आई फिल्ड दैट n कितना है 10, 10 ओवर 2 मतलब 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2. 2 इधर डिवाइडेड बाय है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया. 5th टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 5th टर्म है, ये 6th टर्म है, मैंने दोनों राइट. अब आगे इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44. ठीक है जी, एक x ये रहा एक x ये रहा, दोनों प्लस के, x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 1 प्लस 3 4. अब ये 4 इधर किसका है, प्लस का. अगर मैं इसकी साइड चेंज करूंगी तो ये क्या हो जाएगा माइनस. 44 माइनस 4 इक्वल टू 2x. 44 में से 4 माइनस किए 40 इज इक्वल टू 2x. 40 किसके इक्वल आ गया 2x के. अब 2x के साथ क्या है मल्टीप्लाई, अगर 2 को मैं इधर लाऊं तो क्या होएगा डिवाइड. 40 बाय 2 इक्वल टू x, कटिंग करने के 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20. आपको x ही फाइंड करना था ना, आपको ये 10 ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, उनका मीडियन 22 दिया है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मीडियन का फॉर्मूला लगा के देन वी हैव सॉल्व राइट. इन दिस वे यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग डाटा हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. ये डाटा दिया है असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है ऑलरेडी. इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 23 देन फाइंड x. मीडियन इसका 23 है, आपको x फाइंड करना है. सिमिलरली सिक्स्थ क्वेश्चन वी हैव डन ऑन दिस वे, ऑन दैट वे ओनली वी विल सॉल्व दिस सम. काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड कितना है 10 मींस इवन है n इवन है. तो मीडियन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n बाय 2 टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1 टर्म ओवर 2. n बाय 2 10n, 10 ओवर 2 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2. मीडियन कितना दिया है 23, यहां पे मीडियन की वैल्यू भी भर दे. ठीक है जी, ये 2 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई. अब 5th टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ कौन सी है 22, सिक्स्थ कौन सी है उसके साथ x, ये 2 ऑलरेडी हम उधर लेके आ चुके. 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया 46 इक्वल टू 22 प्लस x, ये 22 प्लस में है, इधर आके माइनस. x कितना आ गया 24, मींस आपका x का वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी 24. अब इसी क्वेश्चन में आगे आपको एक और स्टेटमेंट ऐड है, वो क्या है, कहते इफ द गिवन डाटा, इन द गिवन डाटा जो डाटा आपको दिया है, इफ 32 इज रिप्लेस्ड बाय 23 देन फाइंड द न्यू मीडियन. 32 की जगह पे 32 है ना डाटा में आपको, यहाँ पे कहते हैं 23 लगा दें, 32 ना हो क्या लगा दें 23 लगा दें. और इस एक्स की जगह पे क्या आ गया आपके पास 24 है ना, यही आया आपके पास. ठीक है, 32 की जगह पे वो कह रहे हैं 23 कर दो और x की जगह पे हमारे पास 24 आ, तो आपके पास नया डाटा क्या बनेगा, इसको अरेंज करेंगे 12 14 17 20 22. अब 32 की जगह पे तो 23 आ गया, अब असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो ये पहले आ जाएगा 23, x की जगह पे 24, बाकी सब कुछ सेम 26 28 32 कट गया
अब ये 10 ऑब्जर्वेशंस बन गई आपके पास, आपको इनका मीडियन फाइंड आउट करना है। दिस यू विल डू योरसेल्फ, इसका मीडियन आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेरीज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।